देखो क्या होता है, से नेम बॉक्स जो है फॉर्मूला बार, ये हमारा फॉर्मूला बार है, क्या लिखा हुआ है आई किधर है नेम बॉक्स, लेफ्ट साइड है ना, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई डाटा लिखते हैं या बनाते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ प्रोडक्ट के नेम आएंगे, तो जो भी प्रोडक्ट के नेम है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कीबोर्ड लिख दिया, AEBOARD कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे माउस कर देंगे MOUSE, और यहाँ पे फिर मॉनिटर कर देंगे MONITOR, मॉनिटर हो गया, ठीक है। CPU कर देंगे, चलो कर लेते हैं अभी, ये गैपिंग हटा दो। हो गया, तो जब भी हम इस रेंज को, सर जो ऊपर नाम है ना इसी नाम से ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब जब भी जाएंगे ना यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये यह दिखाई पड़ता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी अपने आप, हो जा रहा है कि नहीं। यही नेम रेंज का मतलब है, हमने एक नेम रेंज को नाम दे दिया, से इतने हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये इतनी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। कभी भी हम जाएं, जैसे यहाँ पर हम हैं तो यहाँ पर रहते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम ऑफ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इतनी रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। और फॉर्मूला जो है एक्सेल में, ये देखो अलग अलग टाइप का है, एक फाइनेंशियल है, और फाइनेंशियल में इतनी सारी वेराइटीज हैं फॉर्मूले की, ठीक है। अभी हमने कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा उसके बाद। फिर देखो ये लॉजिकल है, लॉजिकल में शायद आपने इफ पढ़ा है, इफ पढ़ लिया, ठीक है, और बताएंगे इसके बारे में। टेक्स्ट आपने पढ़ा है कोई, टेक्स्ट फॉर्मूला शायद ना पढ़ा हो, ठीक है। प्रॉपर, मिड, अपर, रेप्ट, ये सर्च, सब्स्टिट्यूट सब बताएंगे इसको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, शायद आपने कोई एक पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, ठीक है। देखो कोई भी फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा है। फिर यहाँ लुकअप रेफरेंस है, तो यहाँ पे देखो ये तमाम फॉर्मूला है, एड्रेस है, कॉलम्स आपने पढ़ा है, कॉलम्स पढ़ा है आपने, ठीक है। वी लुकअप पढ़ा है आपने, ट्रांसपोज शायद पढ़ा है, ट्रांसपोज बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो मैथ के अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे ABS है, ठीक है। इसके अलावा आपने अभी फ्लोर पढ़ा है, फ्लोर, फ्लोर याद आ रहा है ये फ्लोर, ठीक है। इसके अलावा सी प्रेस करते हैं तो शायद सीलिंग भी इसी इसी के अंडर में शायद आता है, सीलिंग है, हाँ ये देखिए ये सीलिंग इसी में है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे स्टैटिकल कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो ये एवरेज है, एवरेज इफ है, ये सारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला हैं, सांख्यिकी के फॉर्मूले, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, तो इंजीनियरिंग से हमें बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपने पढ़ा है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब माने 3 पावर जब लग जाता है तो उसे क्यूब कहते हैं, और क्यूब रूट भी होता है, तो रूट अलग है, क्यूब अलग है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन में शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, टेक्स्ट फॉर्मूला आप नहीं पढ़ा है, इंफॉर्मेशन वाला भी नहीं पढ़ा है आपने, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे। अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझिए, समझ में आई बात। हाँ।